मैं इस्तेमुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम मुंब्रा के जो रेलवे ब्रिज है वहां पर मौजूद। आपको बता दें कि दरअसल रेलवे ब्रिज जो है ये काफी खतरनाक हो चुका है। जो दाभोलकर का इलाका है यहाँ से जो आप देखेंगे ट्रैफिक जाम होने की जो समस्या है वो गड्ढे बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए कि जो ये दाभोलकर के पास का फास्ट रेलवे लाइन का जो ब्रिज है ये भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो है काफी डेंजर स्थिति में है और इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है लोहे की बैरिकेड लगाई गई है ताकि दीवार जो यहाँ पर है ये अगर कभी कुछ गिरे तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों को खतरा ना हो। इसी तरह से दोनों तरफ दीवार लगाई गई लोहे की ऐसी बैरिकेड लगाई गई है और खास तौर पर आपको दिखाएंगे कि इस ब्रिज के ऊपर जो है लोड नहीं होना चाहिए क्योंकि स्थिति जो है इसकी खराब है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मटेरियल जो है घटिया किस्म का मटेरियल ला लाकर यहाँ पर डाला जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि गड्ढों का भरमार हो गया है और जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक यहाँ पर जाम होते रहती है। और खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से हॉलीवुड के फिल्मों में देखे होंगे कि डायनासोर जिस रास्ते से चला जाता है उस रास्तों पर गड्ढों का अंबार हो जाता है, ऐसे ही नजारा आपको ये मुंब्रा की सड़कों पर दिखाई देगा। आप मुंब्रा की सड़कों पर चाहे कौसा तक चले जाएंगे तो आपको इसी तरह से गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे और मुंब्रा शहर के तमाम लोगों को जो है इसके वजह से परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है क्योंकि गड्ढे जो है मुंब्रा शहर में लगातार है। आपको दिखाएंगे कि जो ये दाभोलकर का फास्ट रेलवे लाइन का जो ब्रिज है इसके ऊपर जो मटेरियल से भरा जा रहा है देखेंगे ये रखा हुआ है और इससे जो है वहां पर भरा जा रहा है। ये बेहद ही घटिया किस्म का मटेरियल है जो आप देख रहे हैं, इससे यहाँ पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। बारिश शुरुआत होने के पहले हालांकि गड्ढों को भरना चाहिए लेकिन वो काम पहले नहीं किया जाता है। जब बारिश होती है तो ऐसे घटिया मटेरियल डाल दिया जाता है, फिर बारिश में गड्ढे खुल जाते हैं, फिर कहा जाता है कि बारिश होने की वजह से ये गड्ढे भर नहीं रहे, तो बारिश शुरू होने से पहले क्यों नहीं भरा जाता। यहाँ पर सैफ पठान MIM पार्टी के हैं, जावेद सिद्दीकी है और भी अन्य लोग यहाँ पर मौजूद है MIM पार्टी के, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे सैफ पठान, जिस तरह से गड्ढों को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं दाभोलकर का, यहाँ पर भी काफी परेशानी लोग हो रही है क्योंकि ब्रिज जो है बताया जा रहा है कि खतरनाक हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर दोनों साइड लोहे की बैरिकेड लगाई गई है, उसकी वजह से और रास्ता कम हो गया है, ऊपर से गड्ढे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई देखिए कि जैसा अभी आपने बताया कि शहर का जो बीचों बीच का मेन रास्ता है उसका जो हमारा एक मुख्य रास्ता है वो है पारसिक टनल का ब्रिज दाभोलकर के ऊपर, उसके खड्डे आपने बताया किस तरीके से खड्डे कर दिए, खड्डे हो चुके हैं यहाँ पर और उस पर जो काम किया जाता है जब यानी अपोजिशन आवाज उठाता है या हम कोई मांग नहीं करते तो जिस तरीके का मटेरियल आपने बताया उस तरीके का मटेरियल ला करके इसको डालते हैं जिसकी वजह से वो खड्डे एक दिन के लिए तो भरे जाते लेकिन जैसे उसके बाद हैवी लोड गाड़ियां उस पर यानी गुजरना शुरू होती तो जो मटेरियल लोग चिपकाने वाला मटेरियल यूज करते वो है ना वापस वो खड्डों में गाड़ी हैवी लोड जाने की वजह से वो फैलने लगता है, इसकी वजह से खड्डे और भी खतरनाक हो जाते है ना। वो सिर्फ खड्डे नहीं रहते फिर वो खतरनाक खड्डे हो जाते जिसपे बाइकें स्कीड होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जानों को खतरा बनता है। तो इसके लिए हमने मांगनी की थी, आप देखिए कि मैंने यानी ये आप देख सकते हो कि मैंने 22 अगस्त को मैंने लेटर दिया था प्रशासन को, TMC कमिश्नर को, PWD को कि ये एक महीने के ऊपर हो गया कि ये यहाँ पर आप यहाँ पर आइए रोड बनाइए, रोडों की हालत बहुत ज्यादा खास्ता है अपना टोल नाका से लेकर के कल्याण फाटा के बीचों बीच, आप वहाँ पर रोड बनाइए और उसको दुरुस्त करिए ना, तो यहाँ पर हादसा हो रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहे, रोज ट्रैफिक जाम हो रहा है और एक्सीडेंट हो रहे, उसके वजह से लोगों की जान जा रही है। खाली यही का मसला नहीं है, दाभोलकर का ये ब्रिज यहाँ का मसला नहीं है, स्टेशन के पास है, मित्तल ग्राउंड के पास है, तनवर के पास है, ऐसे कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए लेकिन भरा नहीं जा रहा है और शहर के नेता ये कह रहे हैं कि मुंब्रा शहर में गड्ढे ही नहीं है, कोई एक गड्ढा दिखा दे। देखिए कि आप लोगों को पता है कि मुंब्रा के जो नेता है वो किस मार्गदर्शन में और किस तरीके से काम करते, जो उनको बोलने के लिए जबान में दिया जाता है वो वही बोलते हैं, उनको ये दिखेगा नहीं। इसके लिए हमारा काम अपोजिशन का हम दिखा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली दिखा रहे, हमारे पार्टी के मेंबर जावेद भाई हो, मैं हूँ या और भी दिग्गज जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली दिखा रहे कि कहाँ कहाँ खड्डे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अगर मुंब्रा में आओगे तो आपको मुंब्रा का हर एक मुख्य रास्ता सिर्फ खड्डों से भरा हुआ दिखेगा, जैसे कि आप देखो अभी एम्बुलेंस को आने की तकलीफ हो रही, इस तरीके से हैवी लोडेड गाड़ी जा रही है, बस ये खड्डों के जगह फुल हो गई, कोई इमरजेंसी में होगा, अगर ये खड्डे सही से रहते रोड बराबर रहता तो गाड़ी स्मूथली मूव हो जाती थी फास्ट और पीछे से एम्बुलेंस मूव हो जाती थी।
अब देखिए किस तरीके से तकलीफ हो रही है, और ये अपना नाकारा पाना छुपाने के लिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसका ढिगारा फोड़ते किस पे, कि वो एक हॉकर जोन बैठा हुआ है वहां पर उस पे, और ये बेचारे रिक्शा वालों पे। इनकी गलती क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि नाकारा लोगों की वजह से आज ये रोड सही से नहीं बन रहे, सिर्फ उनके करप्शन के वजह से, कट की वजह से। मैं आपको बताऊं कि यानी 50% से ज्यादा तो ये लोग खा जाते, तो उस वजह से रोड की हालत ये है। एक बार आप करिए ना, हमने मांगनी गड्ढा भरने के लिए लाखों रुपए आता है, तो भरा क्यों नहीं जाता, वो जाता कहाँ है भाई? अगर आप पूरे मुमरा का निकालोगे ना, तो लाखों नहीं, गड्ढा भरने के लिए करोड़ों रुपए आते, बिफोर मानसून सीजन आते, वो पैसे ये लोग चपट कर जाते। बारिश में जब यानी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती तो उसके बाद ये लोग लाली पॉडल का काम करते, उसमें भी कई लाखों और कई करोड़ों का यानी प्रोजेक्ट वो लाते, वो आते। आप देखिए कि यानी इसके बाद यानी आप देखोगे यानी उसके बाद अभी यानी हमने ये आवाज उठाई, इसके बाद वापस से फंड आएंगे इनको, उसमें भी ये करप्शन करेंगे। मेरी मांगनी ये है कि अगर ये रोड आप देखिए पार्सिक टनल की अगर बात करते, ये डेंजर क्यों है कि ये 110 साल पुराना ब्रिज है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करा कि हर साल डामर के ऊपर डामर लाकर डाल रहे, उसके ऊपर यानी डामर डाले, आज 5 फीट से 6 फीट आप लोगों ने इसको ऊपर ला दिया, उस पर डामर का लोड कर दिया, और उस पर भी यानी आपने सॉल्यूशन नहीं लाया, हर साल यानी घटिया मटेरियल यूज करने से खराब हो रहा है। हमारी मांगनी ये है कि इसको प्रॉपर सीलिंग किया जाए, इसको खोदा जाए, जो खड्डा है वो खोदा जाए, और उसके बाद उसको कॉन्क्रीट बनाया जाए, ताकि इस पर लोड भी कम हो। इसको ऑलरेडी यानी सरकार ने बता चुकी है कि अभी डेंजर हो चुका है ये ब्रिज का। आप देखिए इस पर सेफ्टी मेजर क्लियर होने के बावजूद लोड पे लोड दिया जा रहा है, लोड पे लोड दिया जा रहा है, बेतरतीब काम किया जा रहा है। कोई पूछने यानी इनको ऐसा लगता है कि कोई यानी कोई जानता ही नहीं शहर में क्या करे, बस हम जैसा भी पैसा कमाना कमा ले। हमारी मांगनी है कि इसको यानी आप लोग खोदे वापस से, इसका जो 4 फीट 5 फीट जो आप लोगों ने डामर 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 किया है, उस पर आप हाइट देखिए, आप यहाँ पर रोशनी पे हाइट देखिए, और उसके बाद आप देखिए राइट चढ़ रही है यहाँ पर, तो ये आप इसको खोदो, इसको फिलिंग करो, उसका निकालो, उसके बाद उसको कॉन्क्रीट करके बराबर परफेक्ट रोड बनाए, ताकि ये परेशानी है ना आने वाले 10 सालों के लिए खत्म हो जाए, ये ब्रिज पे से लोड खत्म हो जाए। अगर अल्लाह ना करे प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है, कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, इतनी हैवी हैवी गाड़ियां गुजर जाए, अल्लाह ना करे ब्रिज अगर इतना लोड लेने का जाए गया तो किसको तकलीफ होगी, यहाँ किसकी जान जाएगी, यहाँ के रहवासियों की, तो प्रशासन क्यों इस पर अमल नहीं कर रहा है? आप बताइए उस पर। और अभी हमारी बात ये है कि ये पार्सिक टनल की बात तो सही, आप देखिए आप मुमरा, मैं आपको खड्डे बताता हूँ, आप रेती बंदर पे आओ, रेती बंदर खड्डों से भरा पड़ा है। आप उसके बाद ये जो हमारा ब्रिज है स्टेशन के ऊपर जो फ्लाईओवर ब्रिज है, आप उस पर आओ, उसके स्टार्ट में खड्डे है, उसके बाद आप यानी मुमरा पे आ जाओ, दाबुलकर पे खड्डे, आप यहाँ से आगे बढ़ोगे आप पुलिस स्टेशन जाओगे उसके बाहर नाके पे खड्डे, आप उसके आगे जाओगे आप संजय नगर जाओगे, संजय नगर के मुख्य नाके पे खड्डे, उसके आगे जाओगे आप सोनाजी नगर पे खड्डे जो मित्तल से बाहर आता है रोड, वहाँ खड्डे, उसके बाद आप आगे जाओगे अमृत नगर दरगाह रोड पे खड्डे, उसके बाद आप आगे जाओगे तो यानी दारुल फला के सामने किस्मत के पास खड्डे, उसके बाद आगे जाओगे तनवर नगर पर खड्डे, खड्डो पूरे खड्डों का वो है जमा, उसके बाद आप आगे जाओगे तनवर नगर से आगे जाओगे चांद नगर, चांद नगर के पास वो कौसा पेट्रोल पंप, पूरे रास्ते में मुमरा में खड्डे हैं। लेकिन ये भी जानकारी आई है कि आप लोग खड्डों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं क्या? जी डेफिनेटली, देखिए मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ कि अगर इसका काम नहीं शुरू किया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही, परसों के दिन आपकी न्यूज कवरेज थी कि 2 से 3 एम्बुलेंस फंस चुकी थी यहाँ पर, इसकी वजह से लोगों का भी यानी बहुत ज्यादा परेशानी था, यानी MIM इसके खिलाफ बहुत सख्त यानी आंदोलन करेगी, और हम लोग यानी कुछ इसका अल्टरनेट अगर सरकार इनको लगता है TMC को नहीं करना तो हम इसका आंदोलन के जरिए हमारा राइट हम उसके जरिए इनको जवाब देंगे। जावेद भाई, ये जो रेलवे का ब्रिज है फास्ट ट्रैक के ऊपर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या जानकारी आपके पास है, क्या वाकई में खतरनाक हो चुकी है ये ब्रिज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे शहर में जो सत्ताधारियों ने यहाँ बेतरतीबी 15 साल से काम किया है, आपको पता है, सारी जनता को पता है। मैं आपको बताना चाहता ये ब्रिज के बारे में, जो हमारे शैफ पठान जी यहाँ के सदर हैं कलवा विधानसभा के, उन्होंने मुसलसल मुमरा शहर के लिए जो तकलीफें जनता को आवाज उठा रहे हैं, और उसी संबंध में आज यहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पार्सिक टनल है ये 110-120 साल पुरानी है, जो ब्रिटिश काल का है, तो आज ये जर्जर दिख रही है। इसके ऊपर ये जो दोनों बाजू में एंगल गाड़ा गया है, इससे आपको पता होना चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी को पता है कि ये जो है कमजोर हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आज जमा है। प्रशासन को हमारी आवाज अगर जाती है, यहाँ के जो आला नेता है, मैं आला नेता बोलूंगा सभी को, जो खाली इलेक्शन आते ही वो अपना TRP बढ़ाने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, उनसे लोग सावधान रहे। ये हमारे शहर का मुख्य रास्ता है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ये यहाँ का रास्ता जो है बंद हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग बहुत
तरीके से प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसको फौरन से फौरन काम किया जाना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, टीएमसी को ये दिखता नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो मुमरा के कुछ अंदर जो रोड है वो रोडों में 200 करोड़ का रोड बना सकते हैं, लेकिन ये जो जरूरत की चीज ये नहीं बना सकते हैं। बस हमारा यही कहना है कि हमारे शहर के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, इस पे जनता को जागना चाहिए। अगर इस बार जनता नहीं जागेगी, अरे जनता भी तो नहीं जागती, कितना जगह हो। इसीलिए हमको जब तक बच्चा रोता नहीं है। देखिए जनता जागी हुई है, आपको मैं बताऊं, जनता जागने के साथ साथ जनता परेशान है। जनता शहर की गरीब है, आप देखिए कि वो परेशान रहती है अपने बच्चों की स्कूल के फीस के चक्कर में, वो परेशान रहती है कि लाइटों के बड़े बड़े बिल के चक्कर में, वो परेशान रहती है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो जनता जागरूक है लेकिन वो अपनी परेशानियों में परेशान है। इंशाल्लाह ताला जो उनकी जागरूकता है, जो वो जागे है, वो इंशाल्लाह ताला इस बार के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जनता बताएगी अपना जवाब। आप ऐसा मत बोलिए कि जनता जाग रही नहीं, जनता जाग चुकी है। तभी तो आज इतना है ना, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है मुंबई शहर के अंदर। आज जो जैसा आपने कहा कि कुछ नेता बोले कि खड्डे नहीं है, तो हम एज अपोजिशन, हमारे से पहले जनता दादी हो उधर पे खड्डे, जनता उसको बता रही है, तो कहीं ना कहीं जनता का जागरूकता ही बता रही है ना ये। तो ऐसा मत बोलिए जनता जाग चुकी, लेकिन जनता परेशान है और हमारे स्पेशली हमारे शहर की जनता गरीब है। ये जो लोहे की जो दोनों तरफ से गार्डन लगी है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। मेरे दो बच्चे सेंट जॉन स्कूल में पढ़ते हैं, कल रिक्शे वाले ने बच्चे के ऊपर टायर चला दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पास में वोट मांगने के लिए बराबर से आते हैं, उस पर वोट डालो, उस पर वोट डालो, उस पर वोट डालो, उस पर वोट डालो, तो हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम किसके पास जाए? आज मेरा बच्चा है, कल और किसके बच्चे भी हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मेरी इससे विनती है कि इसका कुछ ऐसा वो मसला निकलना चाहिए कि होटल बन जाना चाहिए कि पब्लिक को आने जाने के लिए फैसिलिटी हो जावे। आओ ना, आइए, बोलिए बोलिए, अपनी आवाज, तकलीफ हो रही है। मैं भी आम आदमी हूँ, मैं कुछ किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, बाकी आज मेरा बच्चा है, कल कोई दूसरा बच्चा भी हो सकता है, उसके बारे में कौन सोचेगा, कौन बोलेगा? ये जो तकलीफ जो देख रहे रास्ते की, जो बड़ी इतनी तकलीफ हो गई है, और ये म्युनिसिपैलिटी है ना, यानी कौन है जो चैनल लगा के गए जो कि ब्रिज कमजोर बोला जा रहा है, जबकि कमजोर होने के बाद में इतना लोड डाल दिया, कम से कम नहीं बोले तो 2 से 3 टन का वजन है। अब इसके ऊपर कमजोर बोल के चैनल डाल दिए, साइड की दीवार कमजोर है, आप देख रहे रास्ते में खड्डे कितने हैं, बच्चों को चलने तकलीफ है, मुसाफिरों को है, और शाम के टाइम तो इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि जिसकी हद नहीं है, आदमी चलने के लिए तकलीफ होगा। अरे कीचड़ जो रास्ते में चलते, कीचड़ वगैरह उड़ता है कपड़ों के ऊपर, या हमारी माँ बहनें भी चलती है रोड के ऊपर, और ये जो तकलीफ है वो झेल रहे ना मुमरा वाले, खासकर इस एरिए के, ठाकुरपाड़ा हो गया है, शैलेश नगर हो गया है, उदय नगर हो गया, ये जो तकलीफें जो चल रही है मतलब लिमिट के बाहर हो गई है। सर पठान, स्कूली बच्चों का भी आना जाना है, जैसे इन लोगों ने बताया कि बच्चों के ऊपर पैर पे रिक्शा चढ़ गया, तो हादसे भी ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बहुत बेतरतीब हमारे शहर के लिए काम होता है। आपको पता होगा जैसे कि अभी दिक्कत इन लोगों ने बताई कि एक छोटा सा ब्रिज था हमारे शहर में, एक ही रास्ता था, उसको भी उन लोगों ने वो साइड में सेफ्टी वॉल लगा करके उसको छोटा कर दिया, और ये रास्ते को है ना, यानी सिर्फ रिक्शा गाड़ियाँ बाइकें इसके लिए नहीं, इसके लिए लोग यानी अपने पैदल भी यानी यहाँ से गुजरते। तो मेरा ये बोलना है कि आपने थाना देखा होगा, कलवा से थाना जाने के लिए जो ब्रिज था, जब उसकी हालत यानी जर्जर हुई, तो क्या उसके बाजू में एक नया ब्रिज नहीं बनाया गया? क्या उसके बाजू में एक नया साइड वॉक नहीं बनाया गया? वो भी अंग्रेजों के टाइम का ब्रिज था, क्यों यानी वहां पर क्यों ध्यान दिया जाता है और मुमरा को क्यों इग्नोर किया जाता है? मेरा प्रशासन से बोलना है कि अगर यानी आप लोग यहाँ पर, अगर ठीक है रास्ता छोटा है, यहाँ पर यानी फुटपाथ नहीं दे पा रहे हो कुछ रीजन है, तो उसके बाजू से क्यों नहीं आप लोग बनाने की प्लानिंग करते हो या काम करते हो? इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर अभी एक नया ब्रिज एक्सटेंशन के रूप में बनाया जाए, ये ब्रिज को रखते हुए एक नया ब्रिज एक्सटेंशन के रूप में बनाया जाए, जो ऊपर से भी जा सकता है, जो साइड से आपके फुटवॉक जा सकते हैं, यानी आपका चलने का रास्ता बन सकता है, तो उस पर क्यों नहीं प्रशासन काम कर रही है? इसको सिकुड़ने के बजाय इसका सेकेंड अल्टरनेट निकाला जाए, यानी एकदम ही बेतरतीब क्यों मुमरा को देखा जाता है, क्यों नहीं उसको तरकीब से सुधारने की कोशिश की जाती है? आज इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, और वाकई में आप यहाँ पर जाओ, आप बाजू में आपके नाज स्कूल है, आप आगे जाओगे यहाँ पर हमारे बॉम्बे कॉलोनी में नूतन स्कूल है, सादिया स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल है, अलिदाया है, आगे जाओगे पटेल स्कूल है, यानी म्युनिसिपैलिटीज के स्कूल है, तो यानी यहाँ पर हजारों बच्चे जो यानी सुबह शाम यहाँ से गुजरते, उनकी माएँ गुजरती, क्योंकि सब आस पास के एरिया के लोग रहते, चाहे वो नारायण नगर से ले लो आप ऊपर, यानी सम्राट नगर से ले लो, नूरा ये नूरा अपना नूरानी के पास का ठाकुरपाड़ा एरिया है,
शैलेश नगर सब यहाँ से ही गुजरते, तो बहुत तकलीफें हो रही है इसके लिए, लेकिन प्रशासन जैसे ना बिल्कुल भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ। तो आपने सुना कि सैफ पठान और जो जावेद सिद्दीकी है उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना है, लेकिन आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर गड्ढों का भरमार है और काफी कम जगह होने की वजह से इस ब्रिज पर जो पैदल आने वाले लोग हैं उनको भी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तो ट्रैफिक जाम होने से जो है वो लोग परेशानियों का सामना उठाते ही है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से MIM पार्टी ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर इन सब चीजों को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा।